أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ترجمہ اے ایمان والو جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہ بہتر ہے تمہارے حق میں अगर तुमको समझ है। खुलासा तफसीर ऐ ईमान वालों जब जुमा के रोज नमाज जुमा के लिए अजान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद यानी नमाज खुतबे की तरफ फौरन चल पड़ा करो और खरीदो फरोख्त और इसी तरह दूसरे मशाकिल छोड़ दिया करो। और तख़सीस बी की वजह ज्यादा एहतमाम के है कि इसके तर्क को फौत नफा समझा जाता है। ये चल पड़ना मशागिल बी वगैरह को छोड़कर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो, क्योंकि इसका नफा बाकी है और बी वगैरह का नफा फानी है। मआरिफ व मसाइल यौम जुमा, इस दिन को यौम जुमा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तमा का दिन है और आसमान और जमीन और तमाम कायनात की तखलीक जो हक तआला ने 6 दिन में फरमाई है इन 6 में से आखिरी दिन जुमा है जिसमें तखलीक की तकमील हुई। इसी दिन में आदम इस्लाम पैदा किए गए, इसी रोज में इनको जन्नत में दाखिल किया गया, फिर उसी दिन में उनको जमीन की तरफ उतारा गया, उसी दिन में कयामत कायम होगी और इसी दिन में एक घड़ी ऐसी आती है कि इसमें इंसान जो भी दुआ करे कबूल होती है। ये सब बातें हदीस सहीहा से साबित है। अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इज्तमा और ईद का हर हफ्ते में एक दिन जुमा का रखा था, मगर पिछली उम्मतों को इसकी तौफीक न हुई। यहूद ने यौमुल सबत यानी सनीचर के दिन को अपना यौम इज्तमा बना लिया, नसारा ने इतवार को। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इसकी तौफीक बख्शी कि उन्होंने यौमुल जुमा का इंतखाब किया। ज़माने जाहिलियत में इस दिन को यौम अरूबा कहा जाता था। सबसे पहले अरब में काब बिन लुई ने इसका नाम जुमा रखा और कुरैश उस दिन जमा होते और काब बिन लुई खुतबा देते थे। ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 560 साल पहले का है। काब बिन लुई हज़रत असलम के अजदाद में से हैं। उनको हक ताला ने जमाने जाहिलियत में भी बुतपरस्ती से बचा लिया और तौहीद की तौफीक अता फरमाई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खुशखबरी भी लोगों को सुनाई थी। कुरैश में इनकी अजमत का आलम यह था कि इनकी वफात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 560 पहले हुई उसी से अपनी तारीख शुमार करने लगे। अरब की तारीख इब्तिदा में बिनाए काबा से ली जाती थी। काब बिन लुई की वफात के बाद इससे तारीख जारी हो गई। फिर जब वाक़े फील हज़रत असलम की विलादत के साल में पेश आया तो इस वाक़े से अरब की तारीख का सिलसिला जारी हो गया। खुलासा यह है कि जुमा के एहतमाम अरब में कबल अज इस्लाम भी काब बिन लुई के जमाने में हो चुका था और उस दिन का नाम जुमा रखना उन्हीं की तरफ मंसूब है। बाद रवायात में है कि अंसार मदीना ने कबल हिजरत फर्जियत जुमा नादिल होने से पहले अपने इश्तेहार से जुमा के रोज जमा होने और इबादत करने का एहतमाम कर रखा था। नूदिस्लाम यौम जुमा निदा सलासे मुराद अजान है और मिन यौमुल जुमा
बेमानी फी योम जुमा है, फसाउ इला जिक्रिल्लाह, सही के मानी दौड़ने के भी आते हैं और किसी काम को एहतमाम के साथ करने के भी। इस जगह यही दूसरे मानी मुराद है, क्योंकि नमाज के लिए दौड़ते हुए आने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ये इरशाद फरमाया है कि जब नमाज के लिए आओ तो सकीनत और वकार के साथ आओ। आयत के मानी है कि जब जुमा के दिन जुमा के अदान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, यानी नमाज और खुतबा के लिए मस्जिद की तरफ चलने का एहतमाम करो। जैसा दौड़ने वाला किसी दूसरे काम की तवज्जो नहीं की तरफ तवज्जो नहीं देता, अजान के बाद तुम भी किसी और काम की तरफ बजुज अजान और खुतबे के तवज्जो न दो। जिक्रुल्लाह से मुराद नमाज जुमा भी हो सकती है और खुतबे जुमा, जो नमाज जुमा की शराइत और फराइज में दाखिल, वो भी इसलिए मजमुआ दोनों का मुराद लिया जाए ये बेहतर है। वदरुल बी यानी छोड़ दो बी, फरोख करने को सिर्फ बी करने पे इक्तफा किया गया, मुराद बी और शरा यानी खरीदो फरोख दोनों है। वजह इक्तफा की ये है कि एक के छूटने से दूसरा खुद ब खुद छूट जाएगा। जब कोई फरोख करने वाला फरोख न करेगा तो खरीद वाले के लिए खरीदने का रास्ता न रहेगा। इसमें इशारा इस तरफ मालूम होता है कि अजान जुमा के बाद जो खरीद और फरोख को इस आयत ने हराम करार दिया है, इस पर अमल करना तो बेचने वालों और खरीदारों सब पर फर्ज है, मगर इसका अमली इंतजाम इस तरह किया जाए कि दुकानें बंद कर दी जाए तो खरीदार खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसमें हिकमत यह है कि ग्राहकों और खरीदारों की तो कोई हद व शुमार नहीं होती, उन सब को रोकने के इंजाम आसान नहीं। फरोख करने वाले दुकानदार मुतय्यन और मादूद होते हैं, इनको फरोख से रोक दिया जाए तो बाकी सब खरीद से खुद रुक जाएंगे। इसलिए वदरुल बी से सिर्फ बी छोड़ देने के हुक्म पर इक्तफा किया गया है। फायदा, अजान जुमा के बाद सारे ही मशागिल का ममनू करना मकसूद था, जिनमें ज़राअत, तिजारत, मजदूरी सभी दाखिल है, मगर कुरान करीम ने सिर्फ बी का जिक्र फरमाया। इससे इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि जुमा की नमाज के मुखातिब शहरों और कस्बों वाले हैं, छोटे देहात और जंगलों में जुमा नहीं होगा। इसलिए शहरों और कस्बों में जो मशागिल आम लोगों के पेश आते हैं इनकी ममानियत फरमाई गई और बी उशरा के होते हुए हैं, बखिलाफ गांव वालों के कि इनके मशागिल काश्त और जमीन से मुतालिक होते हैं। और बिल्तफाक फुकहा उम्मत यहाँ बी से मुराद फकत फरोख करना नहीं बल्कि हर वो काम जो जुमा की तरफ जाने के एहतमाम में मुखिल हो वो सब बी के मफहूम में दाखिल है। इसलिए अजान जुमा के बाद खाना पीना सोना किसी से बात करना यहाँ तक किताब का मुताला करना वगैरह ममनू है। सिर्फ जुमा की तैयारी के मुतालिक जो काम हो वो किए जा सकते हैं। अदान जुमा शुरू में सिर्फ एक ही थी जो खुतबे के वक्त इमाम के सामने कही जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु और फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इसी तरह रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जब मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई और अतराफ मदीना में फैल गए, इमाम के सामने वाली खुतबे की अजान दूर तक सुनाई न देती थी तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और अजान मस्जिद से बाहर अपने मकान ज़ौरा पर शुरू करा दी, जिसकी आवाज पूरे मदीने में पहुंचने लगी। सहाबा किराम में से किसी ने इस पर एतराज नहीं किया, इसलिए ये अजान अव्वल बजुमा सहाबा मशरू हो गई और अजान जुमा के वक्त बी उशरा वगैरह तमाम मशागिल हराम हो जाने का हुक्म जो पहले अजान खुतबे के बाद होता था अब पहली अजान के बाद से शुरू हो गया, क्योंकि अल्फाज कुरान नूद सलाम यौम जुमा इस पर भी सादिक है। ये तमाम बातें हदीस और तफसीर और फिका की आम किताबों में बिला अख्तलाफ मजकूर है। इस पर
पूरी उम्मत का इजमा और इत्तेफाक है कि जुमा के रोज जुहर के बजाय नमाज जुमा फर्ज है, और इस पर भी इजमा और इत्तेफाक है कि नमाज जुमा आम पांच नमाजों की तरह नहीं, इसके लिए कुछ मजीद शरायत है। पांचों नमाजें तन्हा बिला जमात के भी पढ़ी जा सकती हैं, दो आदमी की भी जमात से, और जुमा बगैर जमात के अदा नहीं होता, और जमात के तादाद में फुकहा के अकवाल मुख्तलिफ है। इसी तरह नमाज पंजगाना हर जगह दरिया पहाड़ जंगल में अदा हो जाती है, मगर जुमा जंगल सहरा में किसी के नजदीक अदा नहीं होती, और तो मरीजों मुसाफिरों पर जुमा फर्ज नहीं, वो जुमा के बजाय जोर की नमाज पढ़े। जुमा की एक किस्म की बस्ती वालों, जुमा किस किस्म की बस्ती वालों पर फर्ज है, इसमें आइमा फुकहा के अकवाल मुख्तलिफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जिस बस्ती में 40 मर्द एहरार आकिल बालिक बसते हो उसमें जुमा हो सकता है, इससे कम में नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऐसी बस्ती का होना जरूरी है जिसके मकानात मुतसल हो और इसमें बाजार भी हो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जुमा के लिए शर्त है वो शहर या कस्बा या बड़ा गांव हो जिसमें गली कूचे और बाजार हो, और कोई काजी हाकिम फैसला मामलात के लिए हो, मसला उसके दलायल की तफसील के मौका नहीं है। हजरत उलमा ने इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें लिखकर सब कुछ वादा कर दिया। खुलासा कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू और फसाऊ बेतफाक जमहूर उम्मत आम मखसूसुल बाज़ है, अलिक्तलाक हर मुसलमान पर जुमा फर्ज नहीं बल्कि कुछ कयूद और शरायत सबके नजदीक है। इख्तलाफ शरायत की तय्युन में है, अलबत्ता जहाँ फर्ज है उनके लिए फर्ज की बड़ी अहमियत और ताकीद। उन लोगों में बिला अजर शरई कोई जुमा छोड़ दे तो आदि सहिया में इस पर सख्त वईदे आई और नमाज जुमा इसके शरायत व आदाब के साथ अदा करने वालों के मखसूस फजाइल व बरकात का वादा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.